खबर है इनकम टैक्स विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कांग्रेस सांसद का कैश लोक, यही है खबर। पिछले तीन दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है और अब भी रेड चल रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले दिन 150 करोड़ की गिनती करने के बाद मशीनें खराब हो गई, जिसके कारण गिनती करने का काम प्रभावित हुआ था। वहीं दूसरे दिन 20 बैग में 46 करोड़ रुपए मिले तो तीसरे दिन करीब 100 करोड़ रुपए मिले। नोटों की गिनती में करीब 25 मशीनें, 50 कर्मचारी लगाए गए हैं। और बड़ी खबर इससे जुड़ी अपडेट आ रही है, 300 करोड़ कैश बरामदगी पर अपडेट है। छापेमारी में भी और समय लग सकता है। 6 से 7 कमरों की तलाशी अभी बाकी है, कुछ और ठिकानों पर ज्वेलरी और कैश होने की संभावना है। तो यानी कि 300 करोड़ ही नहीं, अभी और भी नोट बरामद हो सकते हैं और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। कांग्रेस सांसद के अलग अलग ठिकानों से अभी तक जो डेटा है वो है 300 करोड़ कैश का, और अभी भी चल रही है रेड। ज्वेलरी मिलने की संभावना है, कैश होने की संभावना है, आईटी की टीमें रेड कर रही है। आपको जल्दी से ये बताते हैं कि इनकम टैक्स ने कहां कहां पर रेड की है। देखिएगा बिग बॉल पर आपको डिटेल्स हम देंगे। देखिए कहा जा रहा है कि डिस्टिलरीज पर की गई है अभी तक जो रेड है वो की गई है। साथ ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बुद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इनके अलग अलग ठिकानों पर हुई है रेड। और बुद्ध दिया डिस्टिलरीज, बुद्ध राम चिकाता और साथ ही ऐसी कई कंपनीज है। ओडिशा के बोलनगीर के सुदापड़ा तितलियागढ़ के दो जगहों पर यह कार्रवाई हुई है। रांची का रेडियम रोड, सांसद धीरज साहू का घर, ये वो अलग अलग जगह है जहां पर आईटी की टीम ने दबिश दी है और वहां से कैश की बरामदगी हुई है, कई संपत्तियों का खुलासा हुआ और अभी भी ये पूरी कार्रवाई चल रही है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए, उनका रुख करते हैं, उनके पास और इन्फॉर्मेशन है। जितेंद्र, बड़ी हैरान करने वाली बात है, 300 करोड़ कैश अभी तक मिल चुका है और अभी और कुछ बरामदगी हो सकती है ज्वेलरी की, संपत्ति की, कैश की, जो कि आईटी की टीम कह रही है। मशीनें तक खराब हो गई, इतने नोट थे गिनती करने में। आगे क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आज पांचवा दिन है इस रेड का और लगातार रेड अभी भी चल रही है। दिन रात एक करके वहाँ जो आईटी अधिकारी हैं, जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, वो तमाम ठिकानों पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन अभी भी 9 से 10 कमरे ऐसे हैं जिनके बारे में पता चला है और उनको अभी खोला जाना बाकी है। ठीक इसी तरीके से तकरीबन 10 से 11 लॉकर्स हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है, उन लॉकर्स को भी अभी खोला जाएगा। तो तकरीबन अब तक 5 दिन की कार्रवाई में 300 करोड़ रुपये का कैश बरामद हो चुका है, जबकि अभी 9 लॉकर खोले जाएंगे। ऐसे ही तकरीबन 6 से 7 कमरे हैं उनको खोला जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में भी कैश की बरामदगी और हो सकती है। इसके अलावा दर्जनों मशीनें नोट गिनने की मंगाई गई, जिसमें से कई मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो गई। और अगर बात करें धीरज साहू के घर की, तो अकेले धीरज साहू के घर से अब तक 8 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। उड़ीसा और कोलकाता में जितने भी बोध डिस्टिलरीज के दफ्तर हैं या उनसे जुड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं, सब जगह इनकम टैक्स विभाग की टीम पिछले 5 दिन से मौजूद है और लगातार छापेमारी की जा रही है। जो बैलेंस शीट है वो खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो इनसे जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, उन तमाम कंपनियों के अकाउंट वहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और इसके अलावा जो कैश और ज्वेलरी की बरामदगी हुई है, उसे देखकर खुद इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हैरान है। जी